लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। ये अकेले हैं और एक हमारे संजय जी आए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी की बैठे, हम आम मतदाता है, हम किसी प्रति हमारी बातें मान लेते तो हम आपको धरना प्रदर्शन करने की हमारी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को जंतर मंतर पे आना पड़ा? ऐसा इसलिए हुआ कि हम लोग शुरू से ही, जैसे ही जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम से हमें बाहर रखा गया, हम जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम उनके पास लगातार जाते रहे, सेंट्रल मिनिस्टर से अपनी बात कहते रहे, अपने स्टेट्स के मिनिस्टर से अपनी बात कहते रहे, उनको लिखित में ज्ञापन देते रहे, उनसे पर्सनली मिलते रहे, मगर उन्होंने किसी भी बात पे हमारी तवज्जो नहीं दी, ना ही ध्यान दिया। अच्छा सर, ये आपकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है या वैसे कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग इसको सप्लाई करते हो? नहीं नहीं, हमारी आइसक्रीम की फैक्ट्रीज हैं, जितने भी बैठे हैं ये सारे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स हैं और ये स्मॉल स्केल्स में आते हैं। कोई एक कमरे में फैक्ट्री मशीन लगा के चला रहा है, कोई दो कमरे में, कोई चार कमरे में, जैसे जैसे स्केल होते हैं। कितना जीएसटी इस पे लगा दिया सरकार? इस पे 18% जीएसटी लगाने के बाद हमें कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा गया और हमें तंबाकू और गुटखे में शामिल करते हुए हमें उनके साथ जोड़ दिया गया, जो कि अनुचित है, सरासर अनुचित है। जब हम किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं या मंत्री से मिलने जाते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता ऐसा क्यों हुआ, अरे उनके ब्यूरोक्रेट्स को भी नहीं मालूम होता कि अरे आपको क्यों बाहर रखा गया, कंपोजिशन स्कीम से क्यों बाहर रखा गया। तो इसलिए जब हम परेशान हो गए तो सब ने ये विचार बनाया कि जंतर मंतर पर बैठ कर अपनी बात कहो, हो सकता है कोई सुन ले, किसी के कान से मैल निकल जाए, हमारी बात ऊपर चली जाए। जो बंद हो रही फैक्ट्रियां हैं जिनसे सैकड़ों लोगों का रोज़गार चला जाएगा, उनका रोज़गार बच सके। मुकेश कोठारी, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। हमने सरकार के सभी वित्त मंत्री को हमने विज्ञापन दे दिया है। अभी हम पिछली एक तारीख, ये नए साल की एक तारीख को नितिन भाई पटेल गुजरात के जो वित्त मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनसे भी मिल के आए, उनको भी हमने हमारा विज्ञापन ऑल इंडिया लेवल का और गुजरात आइसक्रीम एसोसिएशन का भी हमने उनको विज्ञापन दिया। एक तारीख को ही उनका जो जवाब था कि हम पिछले गुजरात सरकार भी, गुजरात सरकार के एक जवाबदार डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम एक साल से आपकी मांग ऊपर जीएसटी काउंसिल में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जीएसटी काउंसिल ही आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हम इसी बेच पर कि हमारी बात सरकार के ऊपर तक पहुंचे, इसलिए हम जंतर मंतर पर आए। पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और आप हमारा दुख दर्द सुनने के लिए आए। आपका चैनल के माध्यम से मैं एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमारे को 272 कंपनियों को जीएसटी 272 ट्रेड को जीएसटी में डाला था। उसके चार दिन के बाद, जीएसटी स्कीम के चार दिन के बाद हमारे को और गुटके को, दो चीज़ों को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से बाहर कर दिया गया। इस दौरान में एक गुजरात की एक बहुत बड़ी नामी कंपनी है जिसको करीब 1000 करोड़ रुपए में खरीदा गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं सीबीआई की जांच कराना चाहता हूं इसके ऊपर। बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। उस किस आदमी ने वो कंपनी खरीदी और किस आदमी ने हमें कंपोजिशन स्कीम से बाहर किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपसे मांग करता हूं कि हमारे छोटे गेरेड़ी पटरी खोमचा, जो हम छोटी छोटी आइसक्रीम 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की आइसक्रीम बेचते हैं, आपके चैनल से हमारी मदद हो और हमें ये जांच कराई जाए कि किस आदमी ने वो कंपनी खरीदी और किस आदमी ने हमारे को कंपोजिशन स्कीम से बाहर किया, और वो भी बाहर किया हमें गुटके के साथ लगा के, कि आइसक्रीम और गुटका को, सुबह सुबह एक मेन हेडिंग आया अखबार में, आइसक्रीम और गुटका, ये दो चीज़ों को कंपोजिशन स्कीम से बाहर किया गया। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। इस ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2019 में हम इस सरकार को नहीं आने देंगे। हमारे पास में 15,000 कंपनियां हैं, 15,000 कंपनी का मतलब है कम से कम 5,00,000 वर्कर जो है हमारे पास है, और हम यहां लाके 10 तारीख को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। अगर इन्होंने हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया,
हम लाखों की तादाद में जंतर मंतर पे आएंगे और आत्मदाह करेंगे यहाँ पे सब, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। हम हमारी रोटी रोटी को जो आप लोग हैं और जो आपके वर्कर हैं वो एक किस्म से भूख की कगार पे आ गए। हमारा बिल्कुल, हमारी फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गई हैं। हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं हैं, और हमारे को लग्जरी आइटम में लगाया गया। हम तो 10-10 रुपए की लग्जरी आइटम तो वो होती है जो 5 स्टार में आइसक्रीम बेचता हो, दो आपको प्लेन में एयरलाइंस में आइसक्रीम बेच। बड़ी कंपनी है आइसक्रीम की, उन्होंने आप लोगों के साथ ऐसा करवाया? जी, हम 3 महीने के लिए फैक्ट्री चलाते हैं। हमारी फैक्ट्री जो है 3-4 महीने चलती है, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ये सालों साल चलती हैं, जिनकी करोड़ों रुपए की टर्नओवर है। हम तो 10 लाख उनपे क्या जीएसटी लगा हुआ है? जो उनपे भी 18% है, और हम जो गली गली में रेडी पटरी खोमचा लेके झोंपड़ी पट्टे में झोंपड़ी में जाते हैं, हमारे ऊपर भी 10% है। जो आदमी 500 रुपए की आइसक्रीम बेचता है, जो 5 स्टार होटल में 500 रुपए की आइसक्रीम बेचता है, उसके ऊपर भी 18% टैक्स है, और जो 5 रुपए की झोपड़पट्टी में जाके आइसक्रीम बेचता है उसके ऊपर भी 18% है। कहाँ तक का ये इंसाफ है उसका? और दूध की आइटम है हमारी, दूध का कोई मिल्क प्रोडक्ट कोई हो उसके ऊपर 5% है, और हम दूध से आइसक्रीम बना रहे हैं और हमारे ऊपर 18% है। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है और बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। जी, हम लोग 1.5 साल से सरकार से निवेदन कर रहे हैं, और हमने पूरी हर स्टेट के वित्त मंत्रियों से मिले, सबसे कहा कि हमारे ऊपर ये किया गया है। जिस दिन ये GST स्कीम लागू हुई थी उस दिन हम उसमें थे, ठीक 3 दिन बाद हमें आइसक्रीम वालों को तंबाकू पान गुटखा के साथ जोड़कर बाहर कर दिया गया। उस दिन से लेकर आज तक 1.5 साल हो गया, हम जेटली जी से मिले, संतोष गंगवार जी से मिले, केंद्रीय वित्त मंत्री शिव राजेश शुक्ला जी से मिले, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू जी से मिले, राजेश अग्रवाल जी से मिले, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली वालों से मिले, सुशील मोदी जो बिहार के हैं उनसे मिले, आसाम से बिस्वा जी को मिले, और जो हमारे मेन फूड के हेड हैं गुजरात के कमिश्नर उनसे मिले, अजय जैन जी से, और नितिन। नहीं, सुनवाई नहीं हुई आप लोगों? नहीं, सबने यही कहा आपकी मांग जायज है, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो हमें ये आज धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो सर, जैसे आप इतनी जगह गए, इतने मंत्रियों संतरियों से मिले, हाँ जी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा है जी, अभी इसके बाद आगे देखेंगे हम क्या, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सर, हमारा रोजगार जा रहा है, हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे तो हम इस सरकार को क्यों छोड़ेंगे? आप एक तो बात सुनिए, लोगों की कितनी जनसंख्या होगी हमारी? जी, इस टाइम ऑल इंडिया के अंदर कम से कम 30-40 हज़ार फैक्ट्री हैं। हर फैक्ट्री के अंदर 5-6 वर्कर अंदर माल बनाते हैं, और 30-35 या 35-40 वेंडर का हो, 40 आदमी टोटल जो है, कम से कम जो 5 लाख परिवार होंगे बेरोजगार, और 5 लाख परिवारों के साथ हर मेंबर के साथ 5 आदमी जुड़े हुए हैं, तो 25 लाख जनता जो है वो सड़क पर आ जाएगी। आजकल आप जानते हैं माननीय मोदी जी रोज अखबारों में देते हैं हम छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे कहाँ बढ़ावा दे रहे हो, हमें बताओ, हमारे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। जो वो कहते हैं कि जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको आगे बढ़ाओ, मगर ये तो उल्टा हो रहा है कि जो छोटे नहीं उनकी बंद किया, ऐसा बंद करा दो इनका। क्या सरकार की नीति है क्या नहीं है, ये बड़े बड़े उद्योगों को लाकर, हाँ सर, 2019 के चुनाव में पड़ेगा जी। अगर एक बात सुनो, जो हमारे को कंपोजिशन स्कीम दिलाएगा, हमारा पूरा उद्योग आइसक्रीम का सब उन्हीं के साथ जाएगा, ये हमारा नारा है। आइसक्रीम एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीएसटी कम करो, कम करो, कम करो, हमें कंपोजिशन स्कीम दो, हमारा एक ही नारा है, कंपोजिशन स्कीम हमारा है, हमारा एक ही नारा है, कंपोजिशन स्कीम हमारा है। मोदी जी जागो, जेटली जी जागो, कहते हैं बच्चों ने भी लिख के भेजा है, मोदी जी जेटली जी कृपया बच्चों पर रहम करो और आइसक्रीम पर जीएसटी कम करो, आइसक्रीम पर जीएसटी कम करो, कम करो। Like, share and subscribe this channel. Please press the bell icon.